अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस्म से बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं वीडियो के साथ आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर्स के विंडोज के अंदर ब्राइटनेस को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम लैपटॉप वगैरह के अंदर कोई भी विंडो हो तो उसके अंदर जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है पीसी की, डेस्कटॉप की या फिर कंप्यूटर की, तो उसके अंदर जो है ब्राइटनेस वगैरह कहीं कहीं किसी विंडोज के अंदर तो हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है जबकि हम बहुत देर तक आंखें जमाए रखते हैं स्क्रीन के ऊपर? तो उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी ब्राइटनेस कम करने, ताकि वो उसकी जो लाइटिंग होती है वो हमारी आंखों के अंदर चुभती रहती है। तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, हम बिल्कुल इसकी ब्राइटनेस जिस तरह की हम मोबाइल की कम कर देते हैं, इसी तरीके पर हम कंप्यूटर की भी बिल्कुल कम कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से कम कर सकते हैं उसी के बारे में उस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं आपको दो तरीके, दो मेथड बताऊंगा। एक तो कंप्यूटर के अंदर आप उसी के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसको रन करना है, ओपन करना है, और वो एमबी का भी नहीं है, बिल्कुल एक आधी एमबी का यानी केबी का कुछ सॉफ्टवेयर है। वो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। तो उसको किस तरह से डाउनलोड करना है और आगे क्या क्या प्रोसेस है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब वो जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, आपने यहाँ से उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे गूगल क्रोम के अंदर, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कुछ इस तरीके पर वो फाइल नजर आएगी, और उसके बाद जो है ये इस तरह से मेगा डेटा की फाइल होगी। ये कुछ अब यहाँ पर देखें कि ये 41 MB की फाइल है, और यहाँ से है हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से आपके पास जो है ये फाइल ओपन होगी। ये आप डाउनलोड के डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो है ये डिमर ये वाली जिप फाइल है, आपने इसको सबसे पहले माउस का राइट बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट ही कर देना है, तो यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट हीरी कर देता हूँ। जैसे ही हमने एक्सट्रैक्ट हीरी किया तो अब यहाँ पर देखिए कि हमें तीन फाइलें नजर आ रही हैं। ये दो फाइलें तो काम की नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये वाली जो पहले नंबर वाली फाइल है ये हमारे काम की है, तो हमने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने राइट बटन क्लिक कर देना है और यहाँ से हमने इसको कर देना है ओपन। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन जो है उसकी ब्राइटनेस वो फुल है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर की ब्राइटनेस है वो कम हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको इस राइट जानिब के अंदर, स्क्रीन की राइट जानिब के अंदर आपको इसका जो आइकन आपको नजर आ रहा है, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको नीचे जीरो पर ले आते हैं तो ये ब्राइटनेस फुल हो जाती है। हम इसको अगर ऊपर लेकर जाते हैं तो ये देखें कि बिल्कुल अंधेरी स्क्रीन, अंधी हो चुकी है, अंधेरा आ चुका है। तो हमने आप जहां तक आपको सही लगे और वहां पर आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। इसको मिनिमाइज करते हैं यहां से दोबारा से, अगर आपने इसको यहां से आप इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करने के बाद यहां पर ये इसकी और भी सेटिंग वगैरह दी हुई है आपके, इसको यानी ऑटो वगैरह स्टार्ट, ऑटो रन, ये बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। हमने इसको छेड़छाड़ नहीं करना, जब हम इसको यूज करेंगे तो सिर्फ हमने इसको ओपन कर देना है, और उसके बाद जो है अगर इसको खत्म करना है तो किस तरीके पर खत्म करना है, आपने यहाँ पर आकर माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर एग्जिट कर देना है। अब देखेंगे ये खत्म हो चुका है। अब दोबारा से हम इसको यहाँ पर आ जाते हैं, इस फाइल पर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि सेंड टू ये लिखा हुआ है, और हम इसको कर देते हैं डेस्कटॉप। हमने इसको डेस्कटॉप पर यानी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर हम इसको शो कर देते हैं। ये वाला आइकन यहाँ पर आ चुका है। अब हमने इसको
डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके पर आप अपने कंप्यूटर की, आपके पास चाहे विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो या विंडोज 8 हो, 8.1 हो, उन तमाम के अंदर ये वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।